कोरियन एयरलाइन कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि वो अगले सप्ताह तक मॉस्को से अपने फ्लाइट ऑपरेशन को पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगले 2 सप्ताह तक ना तो कोरिया से कोई मॉस्को के लिए ट्रैवल कर पाएगा और ना ही मॉस्को से कोई कोरिया के लिए आ पाएगा। कोरियन एयरलाइन ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण ये फैसला लिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो अक्टूबर 2022 से लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दुबई और शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और अब यहां से लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन को अक्टूबर में शुरू होने की बात कही जा रही है। यदि आप भारत से जापान के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इस समय जापान के लिए रेगुलर बेसिस पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। जापान एयरलाइंस और एयर इंडिया के द्वारा रेगुलर बेसिस पर दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन हो रहा है। वहीं इनडायरेक्टली भी आप थाई एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट से जापान के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इंडोनेशिया के बाली की तरफ से एक खबर शेयर करके कहा गया है कि यदि आप बाली के लिए ट्रैवल करके जाते हैं तो अब वहां पर आपको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। बाली की तरफ से कहा गया है कि 14 मार्च तक क्वारंटीन नियमों को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि अब बाली के लिए ट्रैवल करने वालों को किसी भी तरह के क्वारंटीन नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी।